हाय गाइस, सीधे पॉइंट का के बात करना चाहूंगा। मैं कुछ कमेंट्स देख रहा हूं, काफी लोग कहीं कुछ लिख रहे हैं कि जो सुसाइड करते हैं वो डरपोक होते हैं, कॉवर्ड होते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही बोल रहे हैं आप लोग। बहुत होता है, सब समझते हैं, सब वही है। लेकिन अगर कोई इंसान जा चुका है इस दुनिया से, उसके बारे में ये सब बातें, कुछ कुछ लोग तो उसकी पिक्चर्स हैं जो वो कहीं से लीक हो गई है, वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। अबे शर्म करो, शर्म करो सालो, शर्म करो। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? जो इंसान जा चुका है, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है अब, जो इंसान कुछ घंटे पहले चला जा चुका है, उसकी पिक्चर तुम सर्कुलेट कर रहे हो। जो इंसान वो पिक्चर देख रहा है उसका दिल वैसे ही टूट रहा है। आधे से ज्यादा दुनिया डिप्रेशन में है और ये सच है। डिप्रेस है लोग, बहुत प्रॉब्लम्स है, गलत है, ये चीज नहीं करना चाहिए। पर तुम लोग जानते कितना हो किसी के बारे में यार, कि तुम लोग कमेंट करोगे, तुम जानते कितना हो। हाँ, वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल की, एक स्ट्रगल करके एक एक्टर था जो एक नॉर्मल टीवी एक्टर से एक फिल्म स्टार बना, उस बंदे ने कितना स्ट्रगल देखा होगा। वो तुम लोग घर बैठ के फोनों पर नहीं जानते हो, तुम लोगों को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि कितना स्ट्रगल उस इंसान ने किया है तो वो यहां तक पहुंचा है। अगर इंसान कोई चीज मारता है ना, वो अकेलापन होता है, अकेलापन होता है जो इंसान को खत्म करता है। गलती है, बात नहीं की, अपने आप को खोला नहीं, मानते हैं। लेकिन कमेंट करने से पहले 50 बार सोचो कि तुम लोग क्या कमेंट कर रहे हो और किसके बारे में कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, जो इंसान है ही नहीं अब। हाँ, सब अकेले होते हैं, हम भी अकेले होते हैं। मैं यहां अकेला रहता हूं। हाँ, मैं अकेला रहता हूं, मैं इतने महीने से अकेला हूं, मैं भी डिप्रेस हो जाता हूं। अगर वो इंसान ने ये स्टेप उठाए, कितने हुए पिछले कुछ महीनों से, बहुत सुसाइड हो रहे हैं। एंड इससे पता चलता है कि लोग कितने डिप्रेस हैं, इंसान अंदर ही अंदर से कितना खत्म हो रहा है, इंसान बोल नहीं पाता है। बात करो यार, बात करो, अंदर रखने से कुछ नहीं होगा, दिल टूटता है। क्योंकि कितनी बार मैं सोचता हूं कि मेरे पास कोई नहीं है, बट उसी वक्त उठ के मैं अपने मॉम डैड से बात कर लेता हूं या कुछ भी ऐसा हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी आप लोगों के दिमाग में है, आप लोग अगर बुरा कुछ फील हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, अपने आसपास वालों से बात कीजिए। वो सब बातें अगर आप फैलाएंगे ना सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ अगर आप फैलाएंगे ना, तो बहुत अच्छा है। इस चीज की हम सबको जरूरत है, हमारे आसपास वालों को जरूरत है, वो चीज फैलाइए। लेकिन किसी के बारे में कुछ उल्टा कमेंट, जो इंसान नहीं है, कुछ फालतू बात कि ये स्टेप नहीं था, वो स्टेप नहीं था, अरे तुम क्या जानते हो कि वो किस चीज से गुजर रहा था। हाँ, जो इंसान हम टीवी एक्टरों के लिए ना, अगर किसी इंसान ने एक उम्मीद की किरण बोलते ना, वो जगह थी ना, कि अगर टीवी से फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता अगर बन सकता है ना, तो वो हम हर एक टीवी एक्टर के लिए एक आइडल जो था ना, वो सुशांत सिंह राजपूत था, राइट? तो वैसे इंसान ये स्टेप अगर उठाता है तो सोच के देखो कि क्यों उठाया है। एक बार दिमाग लगाओ, हाँ, कुछ भी कमेंट और कुछ भी बोलने से पहले, कि कितना खाली पड़ गया होगा वो बंदा जिसने ये चीज की है। हाँ, तो वो चीज करने के लिए अपना दिमाग खोलो, प्लीज गाइस। सोशल मीडिया पे कुछ डालना भी है ना, तो कुछ अच्छा डालो, ट्रोल मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के बारे में बुरा मत लिखो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। जो हो सकता है ना, कुछ अच्छा करो। कुछ अच्छा करोगे ना, तो अगला इंसान भी कुछ अच्छा करेगा। हाँ, बस थैंक यू यार, प्लीज ध्यान रखो यार, पिक्चर्स उसकी प्लीज यार, फॉर गॉड सेक, हाथ जोड़ता हूं यार, प्लीज। बुरा लगता है यार, प्लीज। वो मीडिया जाके उनके घरों में, उसके पापा के सामने वो माइक वाइक ये सब चीजें, प्लीज यार, अच्छा लिखो, दुआ करो, दिल से दुआ करो। जो जा चुका है वो चला गया, जो बाकी है ना उनकी हेल्प करो, जो बचे हुए ना उनकी हेल्प करो, प्लीज, फॉर गॉड सेक।